भागलपुर जिले के मीराचक गांव में 45 वर्षीय प्रकाश मंडल जो मजदूरी का काम करते हैं उसको एक खतरनाक रसेल वाइपर सांप ने दो जगह बुरी तरह से काट लिया। हालांकि प्रकाश ने साहस का परिचय देते हुए उस सांप को पकड़ लिया और गंभीर अवस्था में भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मायागंज अस्पताल इलाज कराने पहुंचे। वहीं प्रकाश की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों की टीम ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। दरअसल यह घटना भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र के बरारी स्थित मीरा चक में हुई है। स्थानीय लोगों ने प्रकाश के बहादुरी की काफी सराहना की और उनके जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। पश्चिम बंगाल में मेडिकल छात्रा के साथ हुए रेप और मर्डर के मामले के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी IMA और JDA से जुड़े डॉक्टरों ने एक दिवसीय धरना और सांकेतिक उपवास किया। दरअसल इस नृशंस घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए डॉक्टरों ने भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया। धरना में शामिल डॉक्टर में डॉक्टर सौरभ कुमार, डॉक्टर आदित्य कुमार, डॉक्टर विवेक, डॉक्टर आमिर और डॉक्टर मिले चौरसिया समेत अन्य चिकित्सक शामिल थे। IMA के केंद्रीय नेतृत्व ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है और कई डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर हैं। हालांकि अस्पताल में मरीजों के इलाज में कोई बाधा नहीं आई है और OPD व इमरजेंसी सेवाएं सामान्य रूप से चल रही है। डॉक्टरों ने कहा कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद सरकार अब तक ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है और छात्रा को न्याय दिलाने में कोई प्रगति नहीं हुई है। ये विरोध प्रदर्शन और एक दिन का सांकेतिक उपवास जो है हमारे जूनियर डॉक्टर्स भागलपुर के मेडिकल कॉलेज के बच्चों ने किया है। केंद्रीय IMA के निर्देश पर ये उपवास रखा गया है। RG कार मेडिकल कॉलेज में जघन्य हत्याकांड हुई और जघन्य अपराध हुआ उसके करीब करीब 2 महीने गुजर जाने के बाद भी कोई ठोस उपाय या ठोस कार्यक्रम अभी तक बंगाल की सरकार के द्वारा नहीं उठाया गया है। दोषियों को अभी तक चिन्हित नहीं किया जा सका है और न उन पर कठोरतम कार्रवाई की जा सकी है। एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हम जितनी देर करेंगे उतनी देर न्याय मिलने में जितनी देर होगी उसकी संभावना भी उतनी कम होती जाएगी। लेकिन मैं साधुवाद देता हूँ बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स का, वहाँ के जनता का, वहाँ के समाज का, जिन्होंने अनवरत इतने दिनों के बाद भी अपने आंदोलन की धार को कुंद नहीं होने दिया है और वो लगातार इस पर लगे हुए हैं कि जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जा सके, जो कि एक समाज के लिए एक मिसाल बने। अब आप बताइए कि हमारे जो डॉक्टर्स जो दिन रात मेहनत करके समाज की सेवा के लिए उनके दुख दर्द को बांटने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो अगर अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं है तो फिर हम समाज की सेवा कैसे करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि बंगाल की सरकार, केंद्र सरकार और जो भी सक्षम प्राधिकरण है इस चीज के इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करें और कार्रवाई करें और दोषियों को कठोरतम सजा देने का काम करें। सांकेतिक हड़ताल हम लोग साथ में हैं, जो भी हमारा वहां पर घटनाक्रम हुई है उसके विरोध में हम लोग कर रहे हैं कि भाई सरकार हमारी मांगे सुरक्षा दे। हर जगह सभी छात्र चाहेंगे, सभी छात्र पढ़ाई चाहेंगे कि हमको सुरक्षा मिले। हम उसके लिए लड़ रहे हैं। हमारे जो भी जूनियर डॉक्टर्स हैं इसमें संकेत हड़ताल के लिए बोले हैं। हम बोले कि बस हमारे अस्पताल में मरीजों को कोई कष्ट नहीं हो, मरीज को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। बस गवर्नमेंट को हमको दिखाना है कि हम उसके फेवर में इस तरह का संकेत हड़ताल। भागलपुर बाईपास थाना क्षेत्र में DVC कॉलोनी मोड़ के पास सोमवार को एक बढ़ई मिस्त्री संजय शर्मा को लोहा चोरी के आरोप में बेरहमी से पीटा गया था, जिसके कारण उसकी इलाज के दौरान आज मौत हो गई। संजय शर्मा बबरगंज थाना क्षेत्र के सकुल्ला चक मोहल्ले का रहने वाला था, जिसकी हालत गंभीर होने के बाद उन्हें मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां देर रात उनकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी काजल ने बाईपास थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उनके पति चोर नहीं थे, बल्कि वह केवल बकाया पैसा मांगने गए थे। काजल ने बताया कि उनका पति दुर्गा पूजा से पहले
पहले से ही पैसे के तगादे के लिए जा रहे थे। सोमवार को भी वह इसी काम के लिए घर से निकले थे, लेकिन कुछ समय बाद सूचना मिली कि उन्हें चोरी के आरोप में पीटा गया है। काजल ने आंसू बहाते हुए कहा कि उनके पति निर्दोष थे और उन्होंने कभी चोरी नहीं की है। दरअसल यह घटना क्षेत्र में गुस्से का कारण बन गई है और स्थानीय लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बोला कि हम जा रहे काम पे, बात को समझिए, तो बोला कि हम मेरा तबीयत नूनू का खराब है, तो बोला कि हम जा रहे तगादा भी कर लेंगे उधर से और अति भी कर लेंगे, अति भी काम पे भी चल जाएंगे। तो गया तगादा करने के लिए, उसको मारा, क्या मारा मारा अब नहीं नाम बताया हमको। फोन आया 9:75 में, फोन आया। क्या फोन किया था? वही जोन मार रहा था ना। अच्छा। वही फोन किया, बोला कि हमको ना ये संजय शर्मा आपका पति है? हम बोले हाँ। तो बोला कि वही मेरा मतलब मार रहे हैं। कहे मार रहे हैं? वो चोरी किया है। क्या चोरी किया था? बोला छड़ चोरी किए हैं। अच्छा। लेकिन वो आज तक हम इतने दिन रहे हैं, 2 साल हो गया, कभी ने छड़ कुछ भी नहीं लेता था। वो कितना पैसा बाकी है तगादा करने के लिए गया था? नहीं बताता है वो, सच सच नहीं बताता है। उसका पता नहीं है तो क्या, सही नहीं बताता है वो। क्या हुआ? सब हो गया, खत्म हो गया। कहाँ बात हुई? वही हुआ था मायागंज में। हम देखे सर लेके वहाँ पे बती था हॉस्पिटल में भर्ती, यहाँ फोन किया सोनू मियाँ ने। कौन है सोनू मियाँ? मेरा वार्ड है। अच्छा। वही फोन किया कि वहाँ भर्ती है आपका पति। भागलपुर नगर निगम में आज सशक्त स्थायी समिति की बैठक महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में नगर आयुक्त, प्रभारी नगर आयुक्त, स्थायी समिति के सदस्य और सभी शाखा प्रभारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान महापौर ने शहर के विकास और नगर निगम के कामकाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी। इन प्रस्तावों के माध्यम से नगर निगम की योजनाओं और परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, जिससे शहर की अवसंरचना और नागरिक सुविधाओं में सुधार किया जा सकेगा। भागलपुर में विश्व छात्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा की TNB इकाई द्वारा एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य छात्र संगठन और छात्र संघ के चुनावों को लेकर छात्रों को जागरूक करना था। कार्यक्रम के दौरान छात्रों के विकास के लिए विशेष चर्चा की गई, ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। सेमिनार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और कई छात्र नेता उपस्थित थे। सुल्तानगंज नगर परिषद के वार्ड 26 और 27 में पिछले 5 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण ग्रामीणों ने मंगलवार को विद्युत कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। 11,000 वोल्ट के बिजली तार के पिघलने से बिजली कट गई, जिससे गांव के लोगों को बिजली और पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों में पंकज कुमार और विनोद कुमार ने बताया कि 2 महीने पहले भी इसी प्रकार की समस्या हुई थी, लेकिन इसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया गया, जिससे फिर से तार में आग लग गई और तार पिघल कर गिर गया। विद्युत विभाग के SDO ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि तार की मरम्मत का काम चल रहा है और बार बार होने वाली समस्या के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर किसी ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पूर्व वार्ड नंबर 27 और 26 से आए हुए हैं जी। जी, हम लोगों का बिजली का समस्या है जो कि 2 महीने से है। 2 महीनों से SDO साहब क्या करते हैं, इनको रिपेयरिंग करवा के चलवा देते हैं और वो अपने मुंह से खुद बोलते हैं कि ये वायर आपका चलने वाला नहीं है। मिस्त्री भी बोलता है हमको भी सादा पेपर पे लिखवा लीजिए, ये क्वाइल आपका नहीं चलेगा, क्योंकि एक बार जो पंचर हो जाता है और ये फिर दोबारा नहीं चलता है, लेकिन बार बार यही करता है, रिपेयरिंग करके इसको चलवा दिया जाता है। और आज हम इसी में जूझ रहे हैं, अष्टमी को ही हुआ है, दुर्गा पूजा के अष्टमी को ही मेरा लाइन कटा हुआ है। अभी तक हम लोग ऐसे सिर्फ चक्कर काट रहे हैं, SDO बाबू को भी फोन से फोन करते हैं, एक भी मेरे गांव का फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं।
भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित बड़ी दुर्गा मंदिर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर दीप उत्सव, खीर भंडारा और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व मंदिर के अध्यक्ष शिवम चौधरी ने किया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में सांसद प्रतिनिधि पवन केसान, उपाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह, पर्यवेक्षक प्रमोद रामुका और नाटक कला परिषद के अध्यक्ष राधाकांत शाह सहित कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे। समारोह के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टरों, जनप्रतिनिधियों और छोटे कलाकारों को अंगवस्त्र, मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सभी के बीच खीर का प्रसाद भी वितरित किया गया। आयोजन में वार्ड पार्षद विनोद रजक, रवि चौधरी सहित कई लोग मौजूद थे। भागलपुर में राज्य स्तरीय कराटे अंतर जिला खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन धूमधाम से किया गया। यह प्रतियोगिता खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। उद्घाटन समारोह में सहायक समाहर्ता गरिमा लोहिया, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक नागेंद्र कुमार गुप्ता, वरीय कोषागार पदाधिकारी देवेंद्र कुमार, उद्योग महाप्रबंधक खुशबू कुमारी और जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण कुमार ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता की शुरुआत की। यह प्रतियोगिता 15 से 18 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 के लगभग 300 खिलाड़ी और 150 दल प्रभारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में 28 जिलों के खिलाड़ी विभिन्न भार वर्गों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रत्येक भार वर्ग के विजेताओं को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा और उन्हें मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए 12 निर्णायक और 2 तकनीकी पदाधिकारियों को भेजा गया है। पहले दिन बेगूसराय की खुशबू कुमारी ने जमुई की कोमल कुमारी को 6-0 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया, जबकि वेस्ट चंपारण की श्यामली सिंह ने मधुबनी की आयुषी अवानी को हराकर फाइनल में जगह बनाई। समारोह का मन संचालन नील कमल राय और धन्यवाद ज्ञापन मोहम्मद नसर आलम ने किया।